हेलो एंड वेलकम ग्रेट एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए महाबली योद्धा सीरीज इस सीरीज में हम आप लोगों को 1500 क्वेश्चंस करवाएंगे जो भी प्रिपरेशन सब्जेक्ट्स की हम लोग करवा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस करवाएंगे जो बच्चे ये डाउट पूछ रहे हैं कि जनरल साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे क्या हम लोगों को पढ़ना चाहिए तो हम मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग करवाएंगे सारे टॉपिक्स की आप लोग इसको रट लीजिए समझ लीजिए जो भी करिए ये सारे टॉपिक्स में से हम 80 नंबर की तैयारी आपको करवा देंगे इस सीरीज से ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करेगा इफ़िशेंसी इंप्रूव करेगा जो भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे आप क्वेश्चंस को टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे या अपने आप को जज नहीं कर पा रहे होंगे तो इस सीरीज के जरिए आप अपने आप को टोटली जज कर पाएंगे तो बने रहिए सीरीज में आप लोग हमारे साथ यहाँ से हम लोग अस्सी नंबर स्कोर कर लेंगे और बच्चों आप लोग जहाँ से भी मैथ्स और रीजनिंग पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ते रहिए इसको हर एक क्वेश्चन में आपको दो सेकेंड का टाइम दूंगा और जिन लोगों ने पेन और कॉपी को नहीं लिया है जल्दी से उठा लीजिए और नंबर्स को आप लोग जोड़ते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि हम यह जान सके कि हम क्या स्ट्रेटेजी को अपनाएं इस सीरीज को और कैसे बेहतर बनाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अबाउट तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अब एक्वायरिंग द राइट कस्टमर बेस्ट प्रोसेस और मोटिवेटिंग इंप्लाइज मतलब यह हमें राइस कस्टमर को चॉइस करने का भी ऑप्शन देता है बेस्ट प्रोसेस हम लोग कौन सा अपना भी बताता है और इंप्लाइज को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है अगला क्वेश्चन है बच्चों सीआरएम टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिजाइनिंग अ डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट डेवलपिंग अव प्राइसिंग मॉडल एंड प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन फास्टर मतलब सी आर एम टेक्नोलॉजी जो मैंने आप लोगों को लेक्चर वन में पढ़ाया है कि किस तरीके से हेल्प करता है जो बच्चे इसको नहीं अटेम कर पा रहे होंगे लेक्चर वन को हमारे फॉलो कीजिए डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट को हमें डिजाइन करने में हेल्प करता है न्यू प्राइसिंग मॉडल्स को डिजाइन करने में हेल्प करता है और जो भी ट्रांजेक्शन है हमारे उसको फास्ट करने में हेल्प करता है अगला क्वेश्चन है डैस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर तो इसका आंसर है कस्टमर डाटा मैंने आपको लेक्चर थर्ड में बताया है कि डाटा में हम लोग कस्टमर्स का इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं हर एक इंडिविजुअल कस्टमर को तो वहाँ से आप लोग जो बच्चे नहीं अटैम्प्ट कर पा रहे होंगे लेक्चर थर्ड को फॉलो कीजिए वहाँ से आप लोग डाटा और अच्छे से समझ पाएंगे अगला क्वेश्चन है डैश इज़ द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट बाय यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज़ तो इसका आंसर है कस्टमर बिहेवियर मतलब कस्टमर बिहेवियर में हम ये समझते हैं कि कस्टमर जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है उसका बाइक करने का तरीका क्या है यूज कैसे करता है और किस गुड्स को डिस्पोज कर रहा है या किसको यूज कर रहा है अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए अ कस्टमर बाइंग बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई इसका आंसर है बोथ ए एंड बी यानी कि कल्चरल एंड सोशल फैक्टर और पर्सनल फैक्टर भी मैटर करता है किसी भी कस्टमर के बाइंग बिहेवियर के तो लेक्चर वन में मैंने आपको बताया कल्चरल सोशल और पर्सनल फैक्टर सारी चीज़ों को मैंने बताया है जो बच्चे ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे लेक्चर वन को जरूर फॉलो कीजिएगा वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगला क्वेश्चन देखिए डैश एक्जर्स द ब्रॉडेस्ट एंड डीपेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन बाइंग बिहेवियर तो इसका आंसर है कल्चरल फैक्टर तो कल्चरल फैक्टर जो है सबसे ज्यादा बिहेवियर पे अफेक्ट करता है इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा लेक्चर वन में मैंने आपको बताया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रेटजीज इज शूटेड टू द ओल्ड इकोनॉमी ओल्ड इकोनॉमी की कौन सी स्ट्रेटजी को सूट करता है तो इसका आंसर है कस्टमाइजेशन ओल्ड इकोनॉमी मतलब कोई भी बिजनेस जब हम सेटअप करते हैं तो जब वो बहुत पुरानी हो जाती है तो हम लोग उसका कस्टमाइजेशन करते हैं उसमें हम किसी भी पर्सनल को ध्यान नहीं देते हैं तो लेक्चर वन में मैंने सारी चीज़ों को बताया हुआ है लेक्चर वन आप लोग जरूर फॉलो कीजिए जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर हेल्प इन कंपनीज ग्रोथ इज क्लासीफाइड एज तो इसका आंसर है कस्टमर बेस कस्टमर बेस में हम लोग कस्टमर के डाटाज को स्टोर करते हैं जो हमारे पास कस्टमर पहले से बने हुए हैं वही कंपनी के ग्रोथ में हमें हेल्प करेगा जो जुड़ेंगे वो तो हेल्प नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो नए हैं अभी जो पुराने कस्टमर हैं वही हमारे लिए कस्टमर बेस के रूप में आते हैं और कंपनी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं अगला क्वेश्चन मेन ड्रॉबैक ऑफ सीआरएम इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबॉब सी आर एम का जो ड्रॉबैक है इम्प्लीमेंटिंग सी आर एम बिफोर क्रिएटिंग अ कस्टमर स्ट्रेटी मतलब सी आर एम का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे तो हम लोग इस्ट्रेटेजी को बना पाएंगे कस्टमर की तो इसमें टाइम लगेगा तो ये इसका ड्रॉबैक है और रोलिंग आउट सी आर एम बिफोर चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू मैच मतलब जब हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना होता है अपने प्रोडक्ट्स को बताना होता है तब हमें सी आर एम को रोल आउट करना होता है इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है ये भी इसका ड्रॉबैक है स्टॉकिंग नॉट वूविंग कस्टमर स्टॉकिंग मीन्स हम धीरे धीरे अप्रोच करते हैं किसी भी कस्टमर को और वूविंग जो है उसमें हम डायरेक्टली अप्रोच करते हैं तो ये भी जो सी आर एम का है यह ड्रॉबैक है अगला क्वेश्चन एडवांटेज ऑफ सी आर एम इसका आंसर है इम्प्रूविंग ओवरऑल रिलेशनशिप विथ कस्टमर मतलब सी आर एम जो है हमें कस्टमर के साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज सुटेड टू द न्यू इकोनॉमी इसका आंसर है पर्सनलाइजेशन जब हम न्यू इकोनॉमी या नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कस्टमर के साथ हम पर्सनली डील करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसे प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तो ये मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है इंश्योरेंस सिस्टम टिकल रेट इज वन देन दर्वाइवल रेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज तो इसका आंसर है वन यानी कि अगर हम हाइपोथेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो जो रिटेंशन रेट अगर हमारा हंड्रेड परसेंट है तो हाइपोथेटिकल रेट जो है वन होगा एक्चुअली में कस्टमर्स जो हैं जो घट जाएंगे लेकिन हाइपोथेटिकली हम लाइफ टाइम उसको मान के चलते हैं तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू जो है हमारा हंड्रेड परसेंट होगा जब थर्ड ईयर में कैलकुलेट करेंगे या पाँच साल बाद भी कैलकुलेट करेंगे तो वो वन ही होगा तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि सर्वाइवल रेट और रिटेंशन रेट जो है वो एक ही होता है इसमें गलती नहीं करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी आर एम वाट डज द एब्रीविएशन एस एफ ए स्टैंड फॉर इसका आंसर है सेल्स फॉर ऑटोमेशन लेक्चर 7 में मैंने आपको बताया कि एसएफए जो है इसका फुल फॉर्म सेल्स फॉर ऑटोमेशन है तो इसका फुल फॉर्म जो है वो 2018 में भी पूछा गया था तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें कोई भी गलती नहीं करिएगा और डिटेल एनालिसिस करने के लिए लेक्चर 7 को फॉलो करिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सीआरएम कंपनी सेल्सफोर्स डॉट कॉम इसका आंसर है मार्क बेनियोफ कॉम जो कंपनी है उनके फाउंडर थे बेनियोफ और इसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया था में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द दैट इज ऑप्टेन फ्रॉम कस्टमर्स पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ थ्रू विच वन कैन गेट एडिशनल कस्टमर इज कॉल्ड इसका आंसर है कस्टमर रेफरल वैल्यू तो कस्टमर रेफरल वैल्यू क्या होती है जो हमारे पास पहले से कस्टमर बने हैं अगर वो किसी प्रोडक्ट्स को हमारे कंपनी के यूज कर रहे हैं तो अगर वो बहुत ही उनको अच्छा लग रहा है जैसे अगर हम सैमसंग कंपनी का ए सी लगाए हैं तो वो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है उसका परफॉर्मेंस उसका एक एक चीज जो क्वालिटी है तो हम दूसरे कस्टमर को बताएंगे तो वो भी जो है सैमसंग कंपनी का लेगा तो इससे क्या हुआ कि नए कस्टमर हमारे पास जुड़े तो जब किसी रेफरेंस के वजह से हमारे पास कस्टमर जुड़ते हैं तो उन उस पॉइंट्स को कस्टमर रेफरल वैल्यू कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इन सीआरएम आर डाटा बेस अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ रो ऑफ द डाटा बेस एंड परटेनिंग टू वन क्लस्टर इज कॉल्ड इसका आंसर है रिकॉर्ड लेक्चर थ्री में मैंने आपको बताया कि डाटा में जो भी हम कस्टमर डाटा को स्टोर करते हैं वो एक रिकॉर्ड के रूप में करते हैं एक ग्रुपिंग करके क्लस्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बैलेंस्ड स्कोर कार्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय टू मैनेजमेंट गुरुज़, वन ऑफ देम इज अ फेमस प्रोफेसर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल नेम द प्रोफेसर इसका आंसर है रॉबर्ट कैपलन तो जो पहले व्यक्ति थे वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए थे वहां के प्रोफेसर थे और दूसरे जो थे डेविड नॉर्टन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ गेमिंग एम्बियंस टू इंक्रीज अ कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड देयर बाई सेल इज नोन बाई व्हाट नेम इट इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक टूडे इसका आंसर है गेमिफिकेशन तो गेमिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी कंपनी को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी होती है तो कस्टमर को इंट्रैक्ट करने के लिए इन्वॉल्व करने के लिए वो गेम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो गेम खेलते वक्त वो सारी चीज़ें अपनी जो उन्हें करना होता है मेन फोकस जो होता है वो कर लेते हैं तो आज के ऑनलाइन मार्केटिंग का ये सबसे बेस्ट तरीका है और इस्तेमाल किया जाता है तो गेमिफिकेशन आप लोग याद रखिएगा ये प्रोसेस है गेम को इंट्रोड्यूस करने का अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट के एडवर्टाइज के लिए ताकि हम कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट और इंटरक्शन को बढ़ा सकेंट सिर एसिस आर विस्ट टाइप ऑफ टेक्निक्स इसका आंसर है डाटा रिडक्शन टेक्निक लेक्चर फोर में मैंने बताया कि डाटा को रिड्यूस करने के लिए अपने फाइल साइज को हमें घटाने के लिए हमारा डाटा उतना ही रहेगा पर फाइल साइज हमारा घट जाएगा तो इसका टेक्निक इस्तेमाल करते हैं हम लोग वो डाटा इडक्शन टेक्निक है उसमें दो फैक्टर्स आते हैं फैटा एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस तो इसके और भी इसको बेहतर समझने के लिए लेक्चर फोर को फॉलो कीजिए जो बच्चे अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं लेक्चर फोर को अटैम्प्ट कीजिए और नंबर्स आप लोग जोड़ते चलिए लास्ट में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर नंबर को बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट विथ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इन द वैल्यू चेन इसका आंसर है कोलोबरेटिव सीआरएम मैंने लेक्चर सिक्स में आपको बताया है कि कोलोबरेटिव सीआरएम में स्टेक होल्डर्स को भी ध्यान दिया जाता है कंपनी में कि जो कंपनीज की पार्टीज हैं जितने भी इंटरनल स्टेक होल्डर हो चाहे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो इन सब के अलावा कोई भी डाटा को नहीं ले सकता है ना ही हम उसको दे सकते हैं ताकि कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी ना हो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा एकदम जो बच्चे अटेम नहीं कर पा रहे हैं लेक्चर सिक्स को फॉलो कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन द डैश ऑफ सी आर एम डील्स विद द कम्युनिकेशन बिटवीन कंपनीज एंड कस्टमर इसका आंसर है कोलोबरेटिव फीचर मैंने आपको बताया है लेक्चर सिक्स में कि कोलोबरेटिव फीचर जो है कोलोबरेटिव सीआरएम वो डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करने का बेस्ट तरीका है और जो ऑपरेशनल फीचर है उसमें हम लोग फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करता है जितने भी फ्रंट ऑफिस के काम हैं सेल्स पर्पज से या जितने भी हैं और एनालिटिकल सी आर एम बैक ऑफिस के काम होते हैं ऑटोमेशन फीचर जो है वो ऑटोमेटिक जितने भी वर्क होते हैं सी सॉफ्टवेयर में जिसके लिए हमें कोई मैनुअल एफर्ट नहीं करना होता है तो वो ऑटोमेशन फीचर्स में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्ट बेनिफिट ऑफ एस एफ आंसर है रियल टाइम सेल्स जब मैंने आपको SFA का फीचर्स पढ़ाया लेक्चर सेवन में तो वहां मैंने बताया कि ये रियल मैट्रिक्स के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है तो ये रियल टाइम विजुअलिटी प्रोवाइड करता है कि सेल्स हमारा जो है अभी प्रेजेंट में किस एफर्ट पर चल रहा है किस ऊंचाई पे है घट रहा है कि बढ़ रहा है तो ये रियल टाइम प्रोवाइड करता है Next question जो है, बैक एंड फ्रंट ऑफिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट तो एस एफ ए हमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करता है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रंट या बैक ऑफिस को हैंडल कर सकते हैं अगला क्वेश्चन जो है एन इफिशियंट सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम मस्ट चूज द फॉल्स ऑप्शन इसका आंसर है बी डिपेंडेंट ऑन डाटाबेस मतलब जब सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का होगा जब सीआरएम अपने डाटा सिंक्रोनाइज करेगा तो फॉल्स एट फॉल्स कौन सा ऑप्शन वो चूज करेगा तो वो जो डाटाबेस उसके पास पहले से मौजूद है उसी पर डिपेंडेंट रहेगा उसी को फॉलो करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एबिलिटी टू ट्रैक एंड रेस्पॉन्ड टू क्लाइंट इन एन इंडिविजुअलाइज्ड मैनर इसका आंसर है पर्सनलाइजेशन मतलब इंडिविजुअली हम किसी कस्टमर को जब इंटरेक्ट होते हैं किसी भी कस्टमर से उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं तब उसको पर्सनलाइजेशन कहा जाता है तो कहीं भी ये वर्ड आपको मिले कि किसी भी कस्टमर को हम किस तरीके से इंडिविजुअली ट्रैक करते हैं या इंडिविजुअली हम उसको प्रोडक्ट्स uh, को बेचते हैं तो वहां पे कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और इसका आंसर हमेशा पर्सनलाइजेशन ही होगा लेक्चर वन में मैंने आपको बताया है प्लीज उसको फॉलो कीजिए जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ अप्लीकेशन एंड टेक्निक्स दैट हेल्प्स इन गैदरिंग स्टोरिंग एनालाइजिंग एंड एक्सेसिंग द डाटा ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को इसका आंसर है बिजनेस एनालिटिक्स मतलब बिजनेस एनालिटिक्स कहने का मतलब है कि पूरे बिजनेस की एनालिसिस करना तो इसमें क्या आएगा गैदरिंग भी होगी इन्फॉर्मेशन की स्टोरिंग भी होगी एनालाइजिंग भी होगी और एक्सेसिंग भी होगा डाटा विजुअलाइजेशन में सिर्फ हम डाटाज को विजुअलाइज करते हैं डाटा मायने डाटा को निकालते हैं और वर्चुअल रियलिटी में डाटाज को सिर्फ हम लोग देखते हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स जो है इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स मीडिया प्रोवाइड थ्री डिफरेंट सर्विसेस मॉडल्स इमीडिएट असिस्टेंट इमिडिएटली कंपनी वाया सेल्फ सर्विस इसका आंसर है कॉल सेंटर तो कॉल सेंटर के थ्रू क्या होता है कि किसी भी कोई भी कंपनी कस्टमर के साथ इमिडिएट रिस्पॉन्स देती है अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे चैट बोर्ड जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आप क्वेश्चन पुटअप करते हो आपको इमिडिएट रिस्पॉन्स मिलता है तो ये कस्टमर को सेल्फ सर्विस प्रोवाइड करता है तो कॉल सेंटर ये मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं लेक्चर सेवन को फॉलो कीजिए आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ काइंड ऑफ स्पीच प्रोडक्शन एप्लीकेशन जो कि स्पीच प्रोड्यूस करता है इट ट्रांसलेट स्टैंडर्ड लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू स्पीच इसका आंसर है टेक्स्ट टू स्पीच इसको हम लोग टीटीएस एप्लीकेशन ये एप्लीकेशन जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज को वॉइस में कन्वर्ट करता है जो भी आप इंग्लिश या हिंदी जो भी आप टाइप करोगे उसको वो क्या करेगा बोल के बताएगा जैसे आपने यूट्यूब में देखा होगा कभी आपको लगता होगा कि रोबोट बोल रहा है तो ये वही एप्लीकेशन का कमाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कशन आर हेल्ड विथ ऑल द ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग इसका आंसर है स्टेक होल्डर्स यानी कि जो हमारे कंपनी के वैल्यूएबल पर्सन होंगे जो अच्छे पोजीशन पे होंगे जैसे सीएमडी हो गया या सीएमओ हो गया या सीईओ हो गया तो जो इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के जो वैल्यूएबल पर्सन होते हैं वही उन्हीं के साथ डिस्कशन किया जाता है ताकि अपने रिक्वायरमेंट को हम गैदर कर सके अपने चीजों को हम समझ सके नेक्स्ट जो है कस्टमाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डैश द इसका आंसर है फाइन ट्यूनिंग तो कस्टमाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को कस्टमाइज कर लें तो ये फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन कस्टमाइजेशन में देता है सीआरएम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्टाफ ऑफ द कंपनी हु मेंटेन अ सॉफ्टवेयर सिस्टम जो सॉफ्टवेयर सीआरएम का मौजूद है उसको मेंटेन करने के लिए और उसको डेली अपडेट करने के लिए इज़ गिवन बाय डैश ट्रेनिंग इसका आंसर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग मतलब इस ट्रेनिंग के जरिए उस सॉफ्टवेयर को उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने की हम ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो सिस्टमेटिकली और ऑपरेशनली अच्छे से डेली टू डेली मेंटेन हो रूटीन चेकअप होते रहे और हमारा कंपनी में ग्रोथ हो आप सभी ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मैं भी जान सकूं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इस सीरीज में बने रहिए और अच्छे से सीरीज को सीरियसली सॉल्व कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में महाबली योद्धा सीरीज के तब तक के लिए जय हिंद